ये देखो भाई, ये है बहादुरगढ़ बराई फाटक की हालत। अब ये गाय जो है, अरे गोवंशी है ना, अरे ये बैल नहीं है, ये सांड है। ठीक है, बैल जो वो होता है ना, हाँ गाय बैल अलग होता है, सांड एक प्रजाति अलग होती है। तो ये एक थैला है प्लास्टिक का बोरा, उसके अंदर कुछ सामान है, तो उसके अंदर मुंह डाल के खा रहे हैं। और ये जो बिच है, कुतिया, ये कुतिया में एक ही प्रजाति होती है, कुतिया कुतिया ही होती है। तो ये इसके साथ साथ लगी हुई है, शायद कुछ मिल जाए। और ये आगे तक देखिए, पूरा भराई फाटक, मतलब ये मान लीजिए कि जो लाइन पार भराई फाटक का जो एरिया है वो मलेच्छों का एरिया है। मलेच्छों का एरिया इसलिए क्योंकि इस तरीके गंदगी और वातावरण में लोग रहते हैं, और इस तरीके के वातावरण को वो चेंज ही नहीं करना चाहते, उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब ये देखिए भराई फाटक, भराई फाटक में रोज जाम लगता है, दो दो गाड़ियां आती हैं, तीन तीन गाड़ियां आती हैं, लोग बैठ खड़े होकर इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन किसी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे आप आवाज़ उठाएं, फ्लाईओवर बनवाएं या फिर आप अंडरपास बनवाएं। और जहाँ पे आप बामडोली जो नारनारी रोड है वहाँ पे फ्लाईओवर भी है, नॉर्मली क्रॉसिंग फाटक भी है और अंडरपास भी, तीन तीन चीज़ें हैं एक जगह हैं। तो मतलब जैसे मैंने पहले बोला था कि वही कहावत होगी कि घोड़ों को मिल नहीं रही घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश, तो वो वाली चीज़ है। तो ये देखिए कि भाई ये शहर आपका है और शहर को किस तरीके से सही रखना है। आप आवाज़ उठाएंगे तभी कोई बात होगी, वरना आप ऐसी गंदगी में मलेच्छों की तरफ पड़े रहेंगे, ऐसे ही आप होता रहेगा। धन्यवाद।